हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अनदर वीडियोस। तो आज हम एक क्वेश्चन लाए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है एग्ज़ाम में, BTC सेमेस्टर थर्ड में तो काफ़ी बार आते हुआ देखा है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रम से 12 मीटर, 8 मीटर तथा 9 मीटर है। इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। सपोज करो ये कि हमारा रूम है, तो एक बात बताइए फ्रेंड्स, हम कैसे रख सकते हैं लंबी से लंबी इसमें छड़, कैसे रख सकते हैं? तो अगर सपोज करो मैंने इस टाइप से रखी कोई छड़, तो ये इतनी है, मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, मगर ये देखो ये तो इससे तो लंबी है ये, मगर सबसे अधिक से अधिक लंबी बोला उसने। तो अगर मैं इस कोने से नाम दे दूं, मैंने ए बी सी डी, अगर मैं ए से सी पर रखूं ऐसे करके, तो सबसे लंबी नज़र आ रही है मुझे, वैसे भी प्रैक्टिकल में देखा, देखिए आप, या ए से सी या डी से बी भी रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आयत का विकर्ण। तो बस सिंपल, अधिक छड़ की लंबाई बराबर क्या होगी, आयत का विकर्ण। हमारा जो रूम है वो हमारा रेक्टेंगुलर ही तो होता है, रेक्टेंगल ही तो होता है हमारा, मतलब कि आयत ही तो होता है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट में L² + B² + H² मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो हमें L दे रखी है 12 मीटर, B दे रखी है हमें 8 मीटर, और H कितनी दे रखी है हमें, 9 मीटर। बस तो यहाँ पर पुट कर दो, 12 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81, इन्हें प्लस कर लो, तो 144, 64 और 81, 4 4 8 1 9 और 6 4 14 18, कैरी 1 2 8 9, कितना है हमारा 289। और 289 किसका होता है, हमारा स्क्वायर रूट किसका होता है, 17 का। तो ये हमारी 17 मीटर आ गई। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।